नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल पे आप सभी स्वागत है। दोस्तों आज का जो वीडियो है ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, हो सके तो आप वीडियो को एकदम लास्ट तक देखिएगा ज़रूर, और अच्छा लगा तो लाइक एक ज़रूर दीजिएगा और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। ये सबके लिए ये एक बहुत ही लाभदायक वीडियो होने वाला है, तो ज़्यादा समय ना गवा के चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों अभी सारा वर्ल्ड में बहुत जगह पर लॉकडाउन है, तो लॉकडाउन के वजह से हम लोग घर में बैठे हैं। सिर्फ घर में बैठे बैठे क्या करेंगे, थोड़ा एक्सपेरिमेंट करेंगे तो बाद में जाके ये एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट अच्छा मिलेगा। तो इसके लिए आज हम एक नया चीज़ बनाना सीखेंगे, जो हमारे माने जो लोग हम केमिकल के लाइन में काम करते हैं उसका तो ये बहुत ही माने लाभदायक एक वीडियो होने वाला है, क्योंकि हम लोग ये जो चीज़ अब बनाएंगे मतलब ये पीएच पेपर लगभग सभी को लगता है, तो ये पीएच पेपर जो है आज हम एकदम एक्सपेरिमेंट के थ्रू फ्री घर में बनाएंगे। देखिए ये पीएच पेपर है, पीएच का फुल जो फॉर्म होता है वो है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। देखिए ऐसा पेपर मार्केट में आपको मिलेगा, बहुत कम दाम में भी मिलता है, थोड़ा दाम में भी माने 100-150 में ये मिलता है, लेकिन आज हम दोस्तों इसे एकदम घर में बनाएंगे, कोई विदाउट इन्वेस्टमेंट, कोई पैसों का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, एकदम फ्री ये बनाएंगे और ये मेरा गारंटी है ये 100% वर्क करेगा। ठीक है, आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो इससे आप बहुत अच्छा बहुत बढ़िया माने कोई भी प्रोडक्ट का पीएच मेंटेन कर सकेंगे। ये दोस्तों कोई भी बुक में तो नहीं मिलेगा, ये एक एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट है, बहुत अच्छा रिजल्ट है। आप भी थोड़ा घर में बना के इसके माने टेस्ट कर सकते हैं। मैं एकदम 100% टेस्ट करके ही बोल रहा हूँ, इसका रिजल्ट 100% एकदम बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। इसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले एक ऐसा पेपर लेना है, बस दो ही इंग्रेडिएंट लगेगा और ये हिबिस्कस फ्लावर जो है ये लगेगा। ठीक है, ऐसा थोड़ा अच्छा थिकनेस वाला पेपर ले लीजिए और ये फ्लावर, उसके बाद इसको ऐसे रगड़ना पड़ेगा। से इसको मसल के इसमें लगा लेना है। अब ये साइड तो हो गया, अभी ये व्हाइट साइड है, तो इस साइड में भी आपको पहले इसे सुखा लेना है। ठीक है, सुखाने के बाद इस साइड में भी आपको ये फ्लावर को रगड़ कर लगाना है। पेपर को अच्छा से सूखा नहीं लेंगे तो पेपर माने फट सकता है, इसके लिए थोड़ा सा सूखा हुआ है। देखिए ये कुछ कुछ जगह पे लगा हुआ है, तो आपको क्या करना है कैंची से काट लेना है टुकड़ा टुकड़ा। जैसा हम लोग पीएच पेपर यूज करते हैं बस लॉकडाउन है तो घर में बैठे हैं, तो ऐसा एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं। मेरे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए ये पीएच पेपर जो है रेडी है, मैंने दो बनाया है मेरे, बाद में मैं इसको इस्तेमाल कर सकूँगा। ये देखिए ये देखिए ये एक है,
इसको भी मैं काट लूँगा। तो मेरा पीएच पेपर तैयार है। ये तो ये पीएच जो है ये देखिए ये येलो कलर का है, लेकिन हिबिस्कस फ्लावर से बनाया है तो ये कलर ऐसा हुआ है। काम एक ही जैसा करेगा। चलिए इसको टेस्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने एसिड ले लिया, ले मैंने ये नींबू का रस है, देखिए ये एसिड का काम करेगा। ठीक है, और एक पात्र में मैंने देखिए ये कॉस्टिक सोडा, ये कॉस्टिक सोडा का घोल मैंने रखा है थोड़ा। धूप आ रहा है इसके लिए थोड़ा साइड कर रहा हूँ। देखिए ये कॉस्टिक सोडा का घोल है, आपको नज़र आ रहा है, देखिए ये थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा फ्लेक्स अभी है, तो इसको चेक करेंगे। देखिए एक पेपर ले लिया और ये देखिए ये देखिए ये कलर चेंज हो गया। ठीक है, ये एसिड है तो इसके लिए ये रेड हो रहा है। ठीक है, और इसको तोड़ देता हूँ। और ये देखिए ये खार है, इसमें देखिए ये ग्रीन हो रहा है। ठीक है ना, और पानी में ये देंगे तो कैसा कलर आएगा। देखिए देखिए ये ग्रीन हो गया है। और एक बात है दोस्तों, देखिए ये नॉर्मल पानी लिया है। ठीक है, नॉर्मल पानी में आप अगर इसे देंगे, ये देखिए इसमें कोई भी कलर चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, ये देखिए ये नॉर्मल पानी है, तो इसको काट कर रहा हूँ। ये देखिए ये नींबू का रस देखिए चेंज हो जा रहा है। ठीक है, और ये इसको कट कर देता हूँ। और ये देखिए ये कॉस्टिक सोडा का घोल है, देखिए ठीक है चेंज हो जा रहा है। और एक बात है, सिर्फ खार से ही ये माने कलर चेंज हो जा रहा है, ऐसा कुछ बात नहीं है। अगर वो होता तो ये देखिए ये नमक है, नमक को पानी में मैं दे रहा हूँ। देखकर अच्छा से एक घोल बना रहा हूँ। ठीक है, और ये देखिए देखिए इसका कलर कोई चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, जैसा कलर वैसा ही है। ठीक है, तो आप इसे एकदम, आपके पास अगर ऐसा नहीं होगा पीएच पेपर, तो आप ऐसा बना के घर में एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, और थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो इससे ही काम चल जाएगा। आपका पीएच पेपर को परचेस करने का कोई ज़रूर नहीं पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखिए पूरा 100% ये वर्क करेगा। ठीक है, 100% वर्क करता है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, बनाना है तो दिमाग से थोड़ा काम करना है, बस दोस्तों थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ठीक है, जब देखिएगा कोई भी चेंजेस ना आ रहा है, नहीं आ रहा है, माने तब आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये पीएच मेंटेन हो चुका है। और थोड़ा सा ग्रीन होने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, लेकिन ऐसा अगर ज़्यादा ग्रीन हो गया, देखिए ठीक है, यहाँ मैं दिखा रहा हूँ, ये ऐसे तो ये नहीं मिलेगा कलर, मैंने ये पेपर भी अलग है और ये सब कुछ अलग है, फिर भी आप थोड़ा तो मेंटेन कर ही पाएंगे। ठीक है ना, देखिए थोड़ा तो मेंटेन कर ही पाएंगे। ठीक है ना, सिर्फ दिमाग लगाना है बस।